मुंबई में सैकड़ों घूमने लायक लोकेशंस हैं और अनगिनत मंदिर है जहां आप जाकर दर्शन ले सकते हो। मुंबई में फेमस और काफी मान्यता रखने वाले मंदिरों में महालक्ष्मी मंदिर, सिद्धि विनायक मंदिर, इस्कॉन कृष्ण मंदिर, मुंबा देवी मंदिर जैसे काफी मंदिर हैं। और आज के इस वीडियो में मुंबई के पालघर जिले में ऑलमोस्ट 1500 फीट अबाउ सी लेवल विरार के जीवदानी पहाड़ पर स्थित जीवदानी माता के मंदिर में आपको लेकर जा रही हूँ। गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी दिवाली, शुभ शुभ दीपावली आप सभी को। और आज है धनतेरस की सुबह और धनतेरस की सुबह मैं आपको लेकर जा रही हूँ जीवदानी माता के दर्शन के लिए। तो अभी फिलहाल हम लोग ऑलरेडी विरार में पहुँच चुके हैं और मंदिर के एग्जैक्टली एंट्रेंस के नीचे हम लोग खड़े हैं। तो इस वीडियो में आप आ कैसे सकते हो जीवदानी माता के दर्शन के लिए, विरार से आप स्टेशन से यहाँ पे कैसे आ सकते हो और यहाँ के टेंपल के बारे में सारी इन एंड आउट जानकारी आपको इस वीडियो पे मिलने वाली है। मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। सबसे पहला और कॉमन सवाल सॉल्व कर देती हूँ, वो है जीवदानी मंदिर पहुँचे कैसे। सो बेसिकली मुंबई में आप जहाँ भी रहते हो वहाँ से आपको विरार स्टेशन आ जाना है। विरार ईस्ट में रेलवे स्टेशन के बाहर निकलते ही आपको ऑटो रिक्शा की सर्विस मिल जाएगी जो 20 रुपया पर हेड चार्ज करते हैं और आपको ठीक मंदिर के मेन एंट्रेंस में ही छोड़ देंगे। हम वैसे रहते हैं डोंबिवली में। सो डोंबिवली से विरार के 60 किलोमीटर के इस रूट को हम बाइक से एक्सप्लोर करने वाले हैं। सुबह के बज रहे हैं 8 और हम डोंबिवली से निकल के ब्रेकफास्ट के लिए आकर रुके हैं अरोमास टी हब। यहाँ इतने बड़े मेनू में अवेलेबल मिसल पाव और डोसा खाकर हम चले जीवदानी मंदिर की ओर। बेसिकली मंदिर का एंट्रेंस है और यहाँ से आप जा सकते हो चलकर। मेरे ख्याल से 1400 सीढ़ियाँ है आप में उतना स्टैमिना, तो यू कैन ट्राई दैट आउट। और यहाँ से आपको फनिकुलर सर्विस मिलेगा। मंदिर में पार्किंग के लिए काफी जगह है। बाइक का 10 और कार के लिए 20 रुपीज वो लोग चार्ज करते हैं यहाँ पर, और ये चार्जेस प्योरली मेडिकल हेल्प के लिए भेजा जाता है। जीवदानी माता मंदिर लगभग 1500 फीट अबाउ सी लेवल में लोकेटेड है और यहाँ पहुँचने के 3 रास्ते हैं। मंदिर के ठीक पीछे से ट्रेकिंग का रास्ता है जो कुछ सालों से बंद है। दूसरा रास्ता सीढ़ियों से होकर जाता है। ऑलमोस्ट 1400 सीढ़ियां हैं और काफी श्रद्धालु आज भी यही रूट से देवी माँ के दर्शन करना पसंद करते हैं। तीसरा रूट है बाय फनिकुलर रोपवे। ये महाराष्ट्र का दूसरा फनिकुलर रोपवे है। पहला रोपवे शुरू हुआ था वनी के सप्तशृंगी माता के मंदिर में और हम फनिकुलर रोपवे से ही माता के दर्शन के लिए आज जा रहे हैं। फनिकुलर रोपवे के यहाँ से आगे जब भी आप जाओगे आपको फ्री का शू रैक सर्विस मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे दुकान है जहाँ पे वो लोग चार्जेस भी लेंगे, बट स्टिल यहाँ पे फ्री का सर्विस है, तो यू कैन कीप योर शूज हियर। भगवान के चढ़ावे के लिए मंदिर के नीचे काफी स्टॉल्स है जहाँ से आप ओटी और चढ़ावे के लिए सामान ले सकते हो। अगर आप फनिकुलर रोपवे से जाना चाहते हो तो आप मंदिर के नीचे से ही सामान खरीद लेना क्योंकि ऊपर कोई भी स्टॉल्स अवेलेबल नहीं है। इनके साथ सीढ़ियों से जाना प्रेफर करते हो तो ऑन द वे आपको काफी स्टॉल्स मिल जाएंगे। फनिकुलर रोपवे का कॉस्ट है ₹200 पर हेड जाने और आने के लिए। रोपवे के लिए स्ट्रिक्टली आप कैश ही कैरी कीजिए क्योंकि यहाँ स्ट्रेंजली कैश ही लिया जाता है। ये फनिकुलर रोपवे काफी वेल मेंटेन्ड है और दिन में 12 से 14 घंटा ये रोपवे टायरलेसली वर्क करता है। ये रोपवे करीबन 1200 पैसेंजर्स को प्रति घंटे कैरी भी करता है। बिल्कुल मुंबई के लोकल ट्रेन्स के हिसाब से इसका डिज़ाइन किया हुआ है। एक सेक्शन में करीबन 15 से 16 लोगों के बैठने के अरेंजमेंट भी की हुई है। फनिकुलर रोपवे से बस 5 मिनट के अंदर हम जीवदानी पहाड़ पहुंच गए। बस रोपवे से उतर के आपको लगभग 5 से 6 फ्लोर्स ऊपर चढ़ना होगा माता के दर्शन के लिए।
एजेड स्पेशली एबल्ड प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए लिफ्ट की फैसिलिटी है तो आप उसे यूज कर सकते हो। दानी माता का ये मंदिर 17 सेंचुरी में भक्तों द्वारा बांधा गया था। पूरे भारत में ये एकमात्र मंदिर है जो जीवदानी माता को समर्पित है। जीवदानी माता को आदि शक्ति देवी के स्वरूप में यहाँ पूजा जाता है। कहते हैं पांडवों ने अपने वन यात्रा के दौरान जीवदानी के इस पहाड़ की सुंदरता को देखकर यहाँ गुफा बनाया था। उस गुफा में भगवती देवी की स्थापना कर उसे एकवीरा भगवती जीवदानी का नाम देकर देवी माँ की पूजा की थी। काफी ऋषि मुनि इस पहाड़ पर जीवदानी माँ की पूजा करने आया करते थे। यूजुअली हर जगह देवी के मूर्ति में शस्त्र आपने देखा होगा, पर जीवदानी माँ का ये रूप काफी शांत है और माँ के एक हाथ में कमल का फूल और दूसरे हाथ से आशीर्वाद देते हुए आप देख सकते हो। मंदिर के अंदर से ही सीढ़ियां हैं जहां से आप ऊपर आ सकते हो यहाँ के बाकी मंदिरों में दर्शन लेने। ये एक बड़ा हॉल जैसा स्पेस है जहाँ काली माता दुर्गा माता के दर्शन के साथ साथ कैंटीन में खाना खा सकते हो, बर्ड वॉचिंग कर सकते हो और इस खूबसूरत व्यू पॉइंट पे एंजॉय कर सकते हो। यहाँ लेफ्ट साइड में चिकन को रखा है केज में और राइट में काफी बर्ड्स हैं। अलग अलग प्रकार के पैरेट्स, लव बर्ड्स यहाँ पर आप स्पॉट कर सकते हो। बर्ड वॉचिंग करते करते इन सीढ़ियों से नीचे आकर गौ माता के दर्शन ले सकते हो, जहाँ गौ माता के लिए अलग सा मंदिर भी बनाया गया है। मंदिर से बाहर निकलते ही जीवदानी हिल टॉप से पूरे विरार वसई की व्यू आप यहाँ से ही एंजॉय कर सकते हो। देवी माता का जहाँ पे मंदिर है एग्जैक्टली उसके पीछे ही आपको बहुत सारे बर्ड्स मिलेंगे। काफ़ी वैरायटी के आप बर्ड्स देख सकते हो, राइट फ्रॉम पीजन्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ पैरट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। ये एक एंटरटेनमेंट फैक्टर आप कह सकते हो बच्चों के लिए स्पेशली। और वहाँ से अगर नीचे की तरफ आप आओगे तो यू विल गेट दिस व्यू पॉइंट। एक्चुअली जीवदानी है मंदिर हिल टॉप पे, तो वहाँ से आपको व्यू बहुत बढ़िया मिलेगा। लेट मी जस्ट शो यू गाइस हाउ द व्यू लुक्स। व्यू पॉइंट पे धूप काफी लगने लग गई तो हम भाग कर इस हॉल के दूसरे एंड पर आ गए हैं, जहां काली माता और दुर्गा माँ के आप दर्शन ले सकते हो। और ठीक उसके बगल में ये एक छोटी सी जगह है जहां लोग मन्नत मांगकर पैसा स्टिक करते हैं। वैसे मैंने कुछ मन्नत नहीं मांगी, बस ट्राई करना था। आरती की वाइब जहाँ भी हो अलग ही वाइब होती है। आज जीवदानी माता मंदिर में आरती में शामिल होकर बड़ा अच्छा लगा। मंदिर में माता के दर्शन लेकर मेरे सब्सक्राइबर्स के काउंट जल्द से जल्दी बढ़े, ऐसी प्रार्थना कर हम यहाँ से निकले। रिटर्न में फनिकुलर सर्विस के मजे उठाते हुए हम पहुंचे जीवदानी मंदिर के एंट्रेंस में। देखो अभी भूख तो लगने लग गई है, तो हमें पता चला है कि मंदिर के सीढ़ियों के रास्ते के इस राइट हैंड साइड में ही प्रसादालय है, जहां 15 रुपए में दाल चावल मिलता है। यहां के लाइन को देखकर हम उसी के सामने वाले जीवदानी प्रसादालय, जो बेसिकली एक होटल है, वहां पर लंच करने आ गए हैं, जिसका कॉस्ट काफी रीजनेबल था। तो दोस्तों आई रियली होप जीवदानी माता मंदिर में देवी माँ के भव्य रूप के दर्शन देकर आपको उतना ही अच्छा लगा जितना कि हमें। कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना।